बता दूं कि अगर आप यूरोप में बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं, मोस्टली लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो चेकिंग का सिस्टम कैसा है, हम चेक होते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वे तो जर्मन करना है, कभी जर्मन तो बाहर निकलते सही, एक हंसदी वसदी दुनिया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे पीछे आप पुर्तगाल का फारो का एयरपोर्ट देख रहे हैं। तो जनाब मैं आपको एक एक चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर आपने लिस्बन से या फारो से या पुर्तगाल से किसी और कंट्री जाना होता है तो आपको रेजिडेंस कार्ड के पहले तो बताऊंगा कि कितने फ़ायदे होते हैं, और रास्ते में जो मेन आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि चेकिंग का क्या सिस्टम होता है, क्या वो पासपोर्ट चेक करते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने और बताने लगा हूं। तो अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जनाब फारो एयरपोर्ट थोड़ा सा सस्ता है लिस्बन और पोर्टो से, तो चलिए अंदर चलते हैं। वाह मुझको मीगो। तो ये हम एयरपोर्ट में आ गए हैं और आज आपको पुर्तगीज के कौन से लफ्ज़ सिखाने हैं। कोमोस्ता इज टू बाई के हाउ आर यू, आई एम फाइन। कोर लफ्ज़ आपको पुर्तगीसी में सिखाना है ओंदे वो सिस्ता इंदू, कि आप कहाँ जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग। तो अभी मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ जर्मन और फ्रांस, तो आप चलिए मेरे साथ। ऊँ दोस्त रेश वाह मुझको मीगो। ये पहले तो आपको अपने लिए एक गेट ढूंढना होता है, और यहाँ पे देखें कितना रश है यार, ओह माय गॉड। और आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी गर्मी है कि मुझे तो आज तक इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं लगी जितनी आज लगी है। तो मुझे पहले तो अपना गेट देखना है, मेरी जैसे कि यूरो विंग्स हैं, मुझे वो वाला गेट देखना है। तो जी जैसा कि मेरी तो फ़्लाइट मिस हो गई थी तो मैंने दोबारा की है, और दोबारा मुझे 80 यूरो की फ़्लाइट दोबारा से मैंने, क्योंकि यहीं से ले ली है तो 80 यूरो की मुझे मिली है, शुक्र है। लेकिन मिल गई क्योंकि मैं लेट हो गया था, मेरे काम ही ऐसे होते हैं अभी। लेकिन एनीवे अभी मैंने बोर्डिंग पास और चेक इन वगैरह कर लिया, सिर्फ स्कैन करना है पर हमने अंदर चले जाना है। आपको दिखाता हूँ कि अभी अंदर जाके क्या होता है। तो जी ये वो पार्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, चेकिंग का बहुत मसला होता है लोगों को। तो जी यहाँ पे मेरे पास एक ऑयल था जो कि 120 मिलीमीटर था, तो नॉर्मली तो 100 मिलीमीटर तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन मेरे पास वो जो ऑयल था वो हड्डियों को मसाज करने वाला था। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बंदा बहुत अच्छा था, उसने पहले तो निकाल दिया था, मैंने कहा यार प्लीज़ दे दो, ये मेडिकल के लिए है। ये वो मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर आपका कोई ऐसा मसला हो जाता है, आपके पास कोई क्रीम्स या कोई मेडिकल से रिलेटेड होती है तो आप उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि प्लीज़ यार ये मेरे हड्डियों के लिए है, ये मैं किसी के लिए लेके जा रहा हूँ, ये किसी बुढ़े लोगों के लिए है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट मान भी सकते हैं। लेकिन मेरी तो उसने रिक्वेस्ट मान ली, और अभी मेरे पास मेरी सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे हम ड्यूटी फ्री शॉप में भी आ गए हैं, अगर आपने अपने प्यारों के लिए कुछ लेना है जो कि उनको हमेशा नीड होती है, जिन्ना कुछ ले जाओ उन्होंने नहीं जे रजना। लेकिन तो जी जब आप अपनी चेक इन वगैरह करवा लेते हैं, आप वहाँ से बेकरी से भी कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये जो मशीन्स लगी हुई होती हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि ये हमने कैसे बाय करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी हुई, तो प्राइस कैसे आती है। मिसाल के तौर पर मैंने पानी लेना है तो पानी का नंबर है 47 या 48, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 48, ये मैंने 48 लिखा तो पानी की प्राइस आ गई 2 यूरो 20 सेंट। यहाँ और यहाँ से आपने इंटर करना होता है, जब आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको पैसे सेंड करने हैं अपने ऐसे अभी, और पर अभी 50 सेंट और हमने देने हैं। तो ये देखिए अभी ओपन हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये उसने मेरा पानी लिया, नीचे लेके आएगा, जल्दी आ जा, बड़ी तरह लगी है, बहुत प्यास लगी है, और यहाँ से मैं पैसे अपने वापस लूँगा। ये टिक टिक आ गई आवाज़ जी। हमने पानी तो ले लिया, अभी लेज़ भी ले लेता हूँ, बड़ा दिल कर रहा है खाने का, भूख भी लगी है। और आप लोगों को यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि लेज़ यहाँ पे यूरोप में पुर्तगाल में एयरपोर्ट पे अंदर से इस मशीन से अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिलती है। सस्ती कितने की मिलती है, 59 पुश किया, ये 2 यूरो 50 सेंट की है। तो इसको हमने इंटर किया, तो अभी हमने पैसे डालने हैं। तो जी ये मेरी लेज़ भी आ गई, बाप रे। तो जी हमने जाना है यहाँ से फारो से कोलबोन, तो ये जर्मन का एक बहुत ही बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे जाना है हमने। तो जी हम जर्मन आ गए हैं यहाँ पे कोल्न में, और कोई पूछने वाला नहीं, इनके किसी कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं हुआ। तो अभी आगे से हमें बाहर जाना है, और रात का टाइम हो गया, और हर्जलिश विलकोमन इन डॉयचलैंड, ये मैंने कहा है खुश आमदे दिन जर्मनी, क्योंकि आपको पता है मेरी जर्मन बहुत फिट है। तो जी यस इशमुश जोहन आउसगंग वी कानी श्रोव की, तो मुझे अभी तलाश करना है गेट अपना, जो कि मैं आलमोस्ट पहुंच गया हूं। तो जी ये जर्मन कोल्न का बहुत ही भरा एयरपोर्ट है, और हमें चलते चलते 10 मिनट हो गए, और इवन मैं बहुत जल्दी में हूं,
फिर भी 10 मिनट तो तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट लग गए हैं बाहर निकलते हुए। अभी हम बाहर आ गए हैं और जब आप डोमेस्टिक फ्लाइट से आते हैं तो जनाब इतनी ज़्यादा कोई खास चेकिंग नहीं होती। तो जी जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे एक जाने वाले ने पहचान लिया, तो उसको ज़रा हेल्प चाहिए, उसको जर्मन ठीक से नहीं आती, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि यार फ्लिक्स बस का कहाँ है। ये भी मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि जर्मन में आपने कैसे पूछना है किसी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर गुडन आवर एंशुलिम वो कान यू शे फ्लिक्स बस फिंडन थैंक यू सर। मैंने उनसे पूछा था कि वो कानिश फ्लिक्स बस फिनन, कि मैं फ्लिक्स बस वाला स्टेशन कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त तो नहीं है अभी यहीं पे आके बना है, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया था कि सलमान आप वीडियो शूट करते हो, मैं आपकी देखता हूँ, तो वो इंसान वहाँ पे खड़ा है। अभी मैं उसको ले के वापस यहाँ पे छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्लिक्स बस का स्टेशन है, ठीक है, कोल में। तो अभी उस बेचारे को क्योंकि कहीं आगे से कहीं दूर ही जाना है, तो उसको मैं बता देता हूँ। और देखें जी रात के 2 बजे का टाइम है और हम हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या बात है। तो जी ये हम आ गए हैं कोल, ये अभी मैं आउटसाइड आ गया, तो वो है जी कोल KOLN, यहाँ पे पुंगते बोलते हैं ना जिस टाइप का वो लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ से ज़रा दिखा रही हैं, अभी रात का टाइम है और मेरी फैमिली उस तरफ खड़ी है। लो जी जर्मन और पुर्तगाल में तो कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा, सेम मौसम है, सेम, कोई सर्दी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत मज़े का मौसम है। और जर्मन और डेनमार्क में इस वेदर में इस मौसम में ट्रैवल करने का सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। जनाब अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूरोप में बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं, मोस्टली लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो चेकिंग का सिस्टम कैसा है, हम चेक होते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आईडी वगैरह ये वो। जैसे कि मैं आपको पता है अभी फ़िलहाल पुर्तगाल से आया हूँ जर्मनी, तो जनाब देखें जब मैं काउंटर में गया था पहले तो आपकी चेकिंग वगैरह होती है, वो आपकी बॉडी को स्कैन वगैरह करते हैं, वो तो नॉर्मल है, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, ओके। और जब मेन जो लास्ट गेट होता है ना, जहाँ से आपने समझ लो कि प्लेन में जाना होता है, हवाई जहाज़ में जाना होता है, वो लास्ट वाला प्रोसेस होता है, वहाँ पे जब मैंने प्लेन के अंदर जाना था उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लीज़ शो मी योर आईडी, तो मैंने उनको अपनी आईडी दिखाई, जैसे कि मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है तो मैंने उनको अपना रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल का दिखाया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे ना मेरा पासपोर्ट देखा ना ही कोई चीज़ देखी, क्योंकि पुर्तगाल रेजिडेंस कार्ड के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। और जनाब मैं आपको बता दूं कि पुर्तगीजी पासपोर्ट की अहमियत क्या है, ये 4th-5th नंबर पे है दुनिया में, इवन जर्मन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पैसों के लिहाज से जर्मन से बहुत ही नीचे है, लेकिन पासपोर्ट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जी प्लीज़ व्हेन यू वांट टू ट्रैवल इन यूरोप मेक श्योर डेट यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, क्योंकि ये कभी कभी चेकिंग हो सकती है, आपका वीज़ा वगैरह की भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो मैं ऐसे वीडियोस में नहीं बता सकता, क्योंकि अलाउ नहीं करता मुझे यूट्यूब वगैरह, तो इस वजह से एनीवे मैंने फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा गाइड कर दिया है। और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। और जनाब जर्मनी इज़ अमेजिंग, वेदर बहुत कमाल का है, और अभी यहीं पे आजकल व्लॉगिंग होगी, और अभी बस पूरी दुनिया में इंशाल्लाह घूमने। और जनाब मैंने पुर्तगाल में एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया, इतना बड़ा ऑफिस नहीं बनाया यार, क्यों मैं अभी झूठ बोलूं कि हाँ भाई बड़ा बड़ा ऑफिस पाया, अभी ऐसा बस छोटा सा ऑफिस है, क्योंकि जो लोग नए नए पुर्तगाल में आएंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है अबाउट डॉक्यूमेंटेशन ये वो इधर उधर। तो एनीवे ये तो जी दो शेर दो लाइन पुर्तगाल से जर्मनी वालों के लिए अदाब अर्ज करता हूँ, अदाब भी बोलिया करो तुसी, वे तो जर्मन जर्मन करना है, कदी जर्मन तो बाहर निकलते सही, एक हसदी वसदी दुनिया है, कदी ओदा मजा चखते सही, ते पुर्तगाल च मामा दे लाल भी सुख जांदे, ते पुर्तगाल विच मामा दे लाल भी सुख जांदे, पर पेपर लेके ते खिल जांदे। तो जनाब पुर्तगाल का एक अलग ही स्टैंडर्ड है, एक अलग ही मजा है, मुझे पुर्तगाल तो बहुत ही पसंद है, लेकिन जर्मन और डेनमार्क में मेरी मोस्टली फैमिलीज हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आके मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आता है या खुशी मिलती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मुझे घर जाना है, मेरे लोग वेट कर रहे हैं, तो जनाब रात के तकरीबन 2:30 से 3 बज गए हैं, दुआ में याद रखें, आई लव यू ऑल।